जब तक चाहे तब तक आदित्य को अपने पास रखें। जब तक आप नहीं जाएंगे ना भैया, तब तक हम आदित्य की अंतिम विदाई नहीं करेंगे। एक बार इसकी अंतिम विधि हो जाए तो जिन लोगों की वजह से हमें यह मनहूस दिन देखना पड़ा है पुलिस और कानून तो उनका जो करेगा सो करेगा, लेकिन हम उनका हर दिन मौत से बदतर बना देंगे। सरोजा जी, अब भैया की हालत देख रही है और भाऊजी ने भी कहा, सरोजा जी आपको, आप ही को सब कुछ संभालना है, इसलिए आपको अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है, तभी भैया इस सदमे से उभर पाएंगे। सरोजा जी, आपकी दवाई का समय हो गया, हमने सुबह की भी मिस कर दी, इस बार की नहीं छोड़ सकते, आप जाके अपनी दवाई ले लीजिए। हमने जो कार की डिटेल्स दी थी, वो नाम, वो साड़ी, कुछ पता चला पुलिस को? नहीं, उसके बारे में तो अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम फोन करके पूछते हैं। हेलो विक्टर जी, हम माधव राय बोल रहे हैं। या मिस्टर माधव, हम आप ही को फोन लगा रहे थे, आपकी इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ कोई भी लिंक हमारे पास अभी तक नहीं आया है, लेकिन बच्ची का बचा हुआ जो भी सामान है हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। सामान? कैसा सामान? एक सोने का कड़ा रह गया है और बेबी के कुछ कपड़े बाकी हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। क्या कह रही है पुलिस? कह रहे थे कि उन्हें कोई क्लू तो नहीं मिला, वो हमारी आदित्री का कुछ सामान लेके घर आ रहे। कैसा सामान? उसके कपड़े और सोने का एक कड़ा। सोने का कड़ा? आदित्री ने कभी कोई सोने का कड़ा नहीं पहना था। हंड्रेड परसेंट श्योर है आदित्री के हाथ में कोई सोने का कड़ा नहीं था। बात बताइए,
पुलिस वाले इस बात के लिए कैसे कंफर्म है कि जो बच्ची विदेशियों ने फेंकी थी वो आदित्य ही थी? सरोजा जी, आप क्यों अमावस में दिन का सूरज ढूंढ रही? पुलिस वालों के पास कोई ठोस सबूत होंगे, तभी तो उन्होंने आके हमें इतने यकीन से कहा है कि वो बच्ची आदित्य ही थी। उन्होंने विदेशियों को गिरफ्तार भी कर लिया। क्या? जी हाँ, पुलिस वालों ने हमें अभी बताया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी आदित्य जिंदा है, वो हमें पुकार रही है। आदित्य ने कोई सोने का कड़ा नहीं पहना हुआ था। पुलिस को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये भी तो हो सकता है ना कि वो कड़ा विदेशियों ने उन्हें पहना दिया। चला जाकर माधव सरोजा को बुला कर लाओ ना। माधव देवर जी, विजेंद्र भैया ना आदित्य को घाट लेकर जा रहे हैं, तो भटकी अम्मा जी ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। चलिए सरोजा जी। जो भी सामान बरामद हुआ हो सब लेके चलो। जी साहब। विजेंद्र बेटा, अब और देर नहीं करनी चाहिए। जी बाबूजी। अम्मा, आज जो आपने मुझे करने दिया है वो मेरे लिए बहुत अनमोल है। थैंक ये आपके बच्ची के कपड़े हैं और कुछ चीजें। कपड़े आदित्य के नहीं है।
हमारी आदित्री नहीं है। हम श्योर है ये कपड़े आदित्य के नहीं है। नहीं है ये आदित्य। मैडम आप सदमे में हैं, शायद आपको इसलिए आप पहचान नहीं पा रही। ये आपकी आदित्य ही है, आपके आदित्य के ही कपड़े हैं। पुलिस से इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती, ये आदित्य ही है। नहीं बाबूजी, हम कह रहे ना ये कपड़े आदित्य के नहीं है। उन्होंने हमारे आदित्य के कपड़े बदल दिए। हमने अपनी बेटी को खुद पहचाना। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर उसकी आखिरी विधि में बाधा मरता। सरोजा जी, हमारे बाबूजी की चेन उसी बच्ची के पास मिली। हमारे घर की इतनी बड़ी निशानी और जहां तक कि कपड़े बदलने की बात है, किसी ने भी बच्ची चुराई होगी। पुलिस के डर से उसने कपड़े तो बदल ही दिए होंगे। और रही बात उस सोने के कड़े की, वो शायद उन विदेशों ने ही उन्हें पहनाया होगा। देखिए, हमारा दिल कह रहा है कि ये हमारी आदित्री नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप 100% कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये बच्ची आदित्य है? इसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। यहां तक कि आप सब लोग कैसे ये दावा कर सकते हैं कि ये बच्ची ही आदित्य है? देखिए, जिस विदेशी जोड़े को हमने अरेस्ट किया हुआ है, उसकी हर डिटेल्स आपके हादसे से मैच कर रही है। जो लोग इतनी निर्ममता से एक छोटी सी बच्ची को चलती कार से फेंक दे, हम उनकी बात को आखिरी सच कैसे मान लें? अच्छा सरोजा, अगर ऐसा है तो तुम ही बताओ कि अब सब लोग क्या करें? ये बच्ची फिर से मुर्दा घर जाएगी। और अगर ये आदित्य ही हुई तो? और अगर ये आदित्य ना हुई तो? DNA टेस्ट। बिल्कुल, हमें इस बच्चे का DNA टेस्ट करवाना ही होगा। क्या, खून की जांच? बस कुछ ऐसा ही समझिए, बस इसी की सलाह हम आपको देने जा रहे थे। लेकिन इस बच्चे का भी वही ब्लड ग्रुप निकला जो आदित्य का था, तो फिर? नहीं बाबूजी, साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है और DNA टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिससे कौन किसका बच्चा है, कौन किसके माँ बाप है, इसका पता आसानी से चल सकता है। अच्छा, क्या बात है संग्राम भैया? आपको ये बात ठीक नहीं लग रही है क्या? नहीं,
हम कहाँ कुछ कह रहे थे? नहीं, अभी अभी आप मंजु दीदी के कान में कुछ कह रहे थे। हम तो बस संग्राम बेटा, कोई बात है तो कहो सबके सामने। अरे बड़की अम्मा, हम तो बस यही कह रहे थे कि अगर जो कुछ भी करना है वो मंजू भाभी और विजेंद्र भैया करे तो ही अच्छा होगा। सरोजा तो, अरे कैसी बातें कर रहे हो संग्राम बेटा, जैसे घर किसी अकेले का नहीं है वैसे ही आदित्य भी किसी अकेले की नहीं है। अगर इस बात की जरा सी भी गुंजाइश है कि आदित्य जिंदा है तो हम उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरा शहर छान मार। हाँ पर मुझे अगर खून की जांच से कुछ पता लग सकता है तो जरूर करवाएंगे हम। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट का इंतजाम करवाते हैं। आपके ब्लड का सैंपल लखनऊ भेजा जाएगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। थैंक यू मैडम जी, डीएनए टेस्ट की पहल शायद आपसे पहले हमको करनी चाहिए थी। रचना रमन सिंह बघेल का स्टिकर जहाँ से बना हुआ है हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसे ही पता चलता है सल्फेट जिस बिल में भी होगा उसकी गर्दन हमारे हाथ में होगी। हाँ ऑफिसर, एक और बात, जिस सौरत ने आदित्री को छीना था उसकी साड़ी का रंग और उस गाड़ी के बारे सरोजा जी को कुछ और भी बताया। क्या? एम्बुलेंस आ गई है, अब ब्लड टेस्ट जल्दी हो जाएगा। बॉडी को एम्बुलेंस पर रखो। अब हम आगे के काम पर लगते हैं। हम दुआ करते हैं कि जो उम्मीद डीएनए टेस्ट से जगी है वो जरूर पूरी होगी। फिर भी हमें आगे के रिजल्ट के लिए तैयार रहना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाइए मंजू दीदी। हमें आप सबके सामने कुछ पूछना है। किससे? मंजू दीदी से।